और दिल्ली से नोएडा आने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने फैसला लिया है कि दिल्ली से नोएडा आने वालों को कोरोना का रैंडम टेस्ट कराना होगा। कल से दिल्ली बॉर्डर पर और मेट्रो स्टेशन पर ये रैंडम टेस्ट होंगे। भौगोलिक स्थिति ऐसे है कि यहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन काफ़ी संख्या में है, अतः समस्त आर्थिक गतिविधियों को खोला गया है और ये खुला रहेगा। परंतु इसके बावजूद भी हमें जो माइक्रो कंटेनमेंट की जो स्ट्रेटजीज अपनानी होगी, जिसमें जहाँ संक्रमण ज़्यादा है उन एरिया से, उन क्षेत्रों से यदि आवागमन हो रही है, उसको रैंडम सैम्पलिंग के माध्यम से और एक माइक्रो कंटेनमेंट के माध्यम से एक काबू पाने का प्रयास किया जाएगा। और हाजीपुर की एक खबर, क्यों नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण